दोस्तों फिर से आपका स्वागत है बुकिश ब्रेन में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है द लॉ ऑफ सक्सेस इन 16 लेसन। इस ऑडियो बुक समरी को हम दोस्तों चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1। दोस्तों आपने देखा होगा कि लाइफ में कुछ लोग तो इतने सफल होते हैं कि करोड़ों अरबों कमा रहे होते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो गरीबी और अभाव में जी रहे होते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या बात है जो एक सफल इंसान को दूसरे से अलग करती है? नेपोलियन हिल की इस किताब में आपको इस बात का आंसर मिल जाएगा। नेपोलियन हिल ने बहुत से सफल लोगों की लाइफ को स्टडी करके इस किताब को लिखा था और इसमें 15 रूल दिए गए थे जिन पे सफल लोग जाने अनजाने अमल करते रहते थे। इस ऑडियो बुक की समरी सुनकर आप भी उन रूल के बारे में जान सकते हैं और फिर उन्हें अपनी लाइफ में अपना कर आप भी सफल लोगों की श्रेणी में आ सकते हैं, रिच और पर्पज फुल लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों बहुत बार कोई हमसे पूछता है कि हमारा लाइफ में गोल क्या है। बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि उन्हें अभी सोचा नहीं है। अगर आप भी ये उत्तर देते हैं तो इससे चेंज करें, आज ही बैठकर सोचें और अपनी लाइफ का गोल चुनें। जो भी आपका सपना है उसके बारे में सोचें। नौकरी चुनना गोल नहीं होता, हाँ वह एक पड़ाव जरूर हो सकता है। अपना सही गोल चुनें और उसे पाने के लिए यह 3 स्टेप जरूर लें। पहला स्टेप, अपने गोल को एक कागज पे लिखें, सिर्फ दिमाग में ना सोचें। दूसरा स्टेप, अपने गोल को पाने के लिए आप क्या सैक्रिफाई कर सकते हैं? क्या आप सोना कम कर सकते हैं या दूसरों से ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, टीवी छोड़ सकते हैं, नई सेल्फ हेल्प ऑडियो बुक समरी सुन सकते हैं आदि आदि, इन सबको भी कागज पे लिख लीजिए। तीसरा स्टेप, दिन में कम से कम 12 बार अपने गोल को याद करें। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को याद हो जाएगा कि आप उससे क्या चाहते हैं और वो उसी दिशा में काम करने लगेगा और आपको क्रिएटिव आइडिया देने लगेगा। और सब जानते हैं एक आइडिया जिंदगी बदल देता है। चैप्टर नंबर 2। अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो खुद पे विश्वास करना होगा। आपको बिलीव करना होगा कि आप भी रिच और सक्सेसफुल बन सकते हैं। पर बहुत से लोग डरते रहते हैं, इससे उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। इस चैप्टर में लेखक ने बताया है कि इंसान को 6 तरह के डर हमेशा सताते हैं। वे इस तरह है। पहला, गरीबी का डर। दूसरा, बुढ़ापे का डर। तीसरा, बुराई का डर। चौथा, प्यार खोने का डर। पांचवा, बीमारी का डर। छठा, मौत का डर। दोस्तों अगर आपको भी ये डर सताते हैं तो हमेशा खुद को पॉजिटिव ऑटो सजेशन दें, जिसे सेल्फ टॉक यानी खुद से बातचीत करना भी कह सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव बोलने से आपके ये डर खत्म हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखें, इससे जीत आपकी होगी। अगर गिरने के डर से आप साइकिल चलाना छोड़ देते तो क्या आप साइकिल सीखने में सफल हो पाते? तो यही एटीट्यूड रखकर अपने गोल की तरफ बढ़ें। 1000 बार गिरें लेकिन 1000 बार उठ जाएं। चैप्टर नंबर 3। बहुत से लोग पहली सैलरी आते ही गाड़ी या महंगी आइटम लेने लग पड़ते हैं, जिससे उनके खर्च और भी बढ़ जाते हैं। जैसे गाड़ी की वजह से हमेशा पेट्रोल के लिए खर्च करना पड़ता है, घर के लिए लोन भरना पड़ता है। इससे लोग कभी भी सेव नहीं कर पाते और हमेशा गरीबी में जीते हैं। लेखक ने एक फॉर्मूला दिया है जिसमें बताया गया है कि आपको अपनी सैलरी का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, जो इस प्रकार है। सेविंग 20% करें, घर के खर्चे 50%, शिक्षा में 10%, ऐशो आराम में 10%, लाइफ इंश्योरेंस में 10%। मतलब आपको अपनी इनकम का 10% सेव करना चाहिए। अगर आपकी इनकम 40,000 है तो 4,000 सेव किए जाने चाहिए। तो दोस्तों आप भी आज से इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना सीखिए, सेविंग से आप रिच बन सकते हैं। अगर इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप रिच डैड पुअर डैड ऑडियो बुक समरी सुन सकते हैं। चैप्टर नंबर 4। दोस्तों वही लोग सफल होते हैं जो लीडर की तरह सोच पाते हैं। क्या आप ऐसा करते हो? एक लीडर की तरह काम करने के लिए आप ये 2 चीजें करते हो। पहली, जो भी आपका गोल है उसे अचीव करने की डिटेल्ड प्लान बनाएं। दूसरी, फिर उन स्टेप को अचीव करने के लिए एक्शन लें। जैसे अगर आपको फिल्मों में एक्टर बनना है तो क्या करेंगे? पहले पेपर पे ये लिखिए कि शुरू में आप क्या करेंगे। जैसे जाते ही कोई छोटी जॉब करेंगे, प्रोडक्शन हाउस की लिस्ट बना लीजिए जहाँ ट्राई करेंगे आदि। इसके बाद लोगों को विजिट करना स्टार्ट करिए। 100 से मिलिए, 1000 से मिलिए, लेकिन मिलिए। बहुत से लोग यही मात खा जाते हैं, अगर 10-20 रिजेक्शन हो जाए तो रुक जाते हैं, ऐसे कभी सफलता नहीं मिलती। हजारों रिजेक्शन होने के बाद भी मत रुकिए, तभी आप एक लीडर की तरह काम कर पाएंगे और सफल हो पाएंगे। अच्छा लीडर कभी रुकता नहीं है बल्कि हौसला रखकर बढ़ता रहता है। चैप्टर नंबर 5। सफलता पाने के लिए हमें क्रिएटिव बनना चाहिए। क्रिएटिव वैसे तो जन्मजात होती है, लेकिन जिंदगी के एक्सपीरियंस भी आदमी को क्रिएटिव बना सकते हैं। जो दुख या सफरिंग हमें मिलती है उनसे भी हमें एक नए आइडिया आते हैं।
जब हमने कोई प्रॉब्लम झेली होती है तो कई बार दिमाग में उसका सॉल्यूशन भी आ जाता है। ऐसे ही किसी प्रोडक्ट की भी डिस्कवरी हो जाती है। हमारे आसपास काफी सारे एग्जांपल हैं जिससे क्रिएटिविटी पता चलती है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ओयो, ओला, उबर आदि आदि। तो आप भी अपनी क्रिएटिव बढ़ाइए। लेकिन जिस तरह तानसेन बनने के लिए पहले कानसेन बनना पड़ता है, वैसे ही आप जितना हो सकता है अच्छी किताबें पढ़िए। इस चैनल पर आपको ऐसी अनेक किताबें मिल जाएंगी जो आपको इंस्पायर करेंगी। तो जब भी समय मिले उन्हें सुनते रहिए। चैप्टर नंबर 6, कोई भी काम हो उसे जोश के साथ करें। बहुत से लोग काम का नाम सुनते ही चेहरा लटका लेते हैं। जब आप अपने काम में रुचि ही नहीं रखेंगे तो पूरा कैसे होगा। इसके लिए काम को स्टेप में बांट लें, बीच में ब्रेक लेते रहें, काम को मजेदार बनाएं और हमेशा बोलें लव माई जॉब। चैप्टर नंबर 7, आत्म संयम सीखे। जोर से आपका काम फास्ट होता है लेकिन सेल्फ कंट्रोल उसे सही डायरेक्शन में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठे, कहीं भी जाना हो टाइम से पहुंचे, काम को अधूरा ना छोड़े, टालमटोल ना करें, बंक ना मारें, फालतू का टीवी ना देखें, सोशल मीडिया से ना चिपके रहें आदि आदि। ये सब ऐसे काम है जिन्हें करने या ना करने के लिए आपको सेल्फ कंट्रोल रखना होगा, तभी सफलता मिलेगी। अगर कोई लेखक सारा दिन टीवी देखता रहे तो क्या कभी नॉवेल लिख पाएगा? या कोई सीईओ टाइम से ऑफिस ही ना जाए तो क्या कंपनी की ग्रोथ हो पाएगी? लाइफ में सफल होने के लिए मस्ती मजाक का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एक बार सफल हो जाएंगे फिर जैसे मर्जी लाइफ जिए। चैप्टर नंबर 8, पैसों के लिए काम ना करें बल्कि सीखने के लिए करें। मान लीजिए आपको कोई कंपनी लगानी है और आप वैसे ही किसी कंपनी में जॉब कर लेते हैं, तो वहाँ पर ऐसे बर्ताव मत कीजिए जिससे लगे कि आप सिर्फ पैसा कमाने आए हैं। जितना बोला जाए उससे ज्यादा कर दें, हो सके तो बाकी लोगों की हेल्प कर दें। इससे लोग आपको पसंद करने लगेंगे, आप भीड़ में स्टैंड आउट करोगे और जल्द ही आप इनर सर्कल में जगह पा लोगे, जो सफलता के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इनर सर्कल के लोग ही आपको असली ज्ञान दे सकते हैं। जैसे किसी को फिल्म डायरेक्टर बनना है तो बहुत से लोग पहले असिस्टेंट का काम करते हैं, उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं, लेकिन जिन्हें सफल होना है वे मन लगा कर काम करते हैं, सबकी मदद करते हैं, हमेशा स्माइल करते रहते हैं। ऐसे लोग जल्दी अपना गोल पाने में सफल होते हैं। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है, उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं। प्लीज थैंक यू फॉर वॉचिंग बुकिश ब्रेन। हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें।